में और पुणे ज़िले में और देहू गांव में, जहाँ पे इंद्रायणी नदी आपको दिख रही होगी, एकदम सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और मेरे लाइफ का पहला वी ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, तो आई थिंक आपको पसंद आएगा। कुछ इसमें मेरे पर्सनल जो मेरे लाइफ में जो कुछ चीज़ें घटी हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आगे इसी तरह मैं आपको मोटिवेशन और जो कुछ मेरे लाइफ में मुझे सीखने मिला है वो आपको मैं शेयर करूँगा। सो प्लीज़ सपोर्ट एंड वॉच। कोई स्टूडियो नहीं है, है तो खाली रेंट का घर। और अभी हम यहाँ पे आए हैं इस नदी के पास में, और देखते हैं कि पहला जो वीडियो कैसा बनता है। तो अभी हम यहाँ पे जगह ढूंढेंगे ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दूँ मैं। वैसे तो यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत सारी अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हो सकेगा, फिर भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी गाड़ी लगी है और ये जो मेरा बैग है वो थोड़ा फट गया है, तो इसे मुझे सिलवाने जाना था। लेकिन मैं जो मेरा पहला जो वीडियो है वो शूट करने के लिए मैं यहाँ पे नदी के पास में आ गया हूँ। सो देखते हैं यहाँ पे जगह है क्या। तो वाह भाई वाह, क्या जगह है यहाँ पे। मतलब बाहर देखो कहाँ कितनी धूप है, और अंदर इतनी छाव कि जैसे एसी में की हवा जो रहती है ना, वैसे यहाँ पे लग रही है मुझे। तो हमें तो हमारी चेयर मिल गई, ये देख सकते हो आप, और हम यहाँ पे बैठ के थोड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। तो मोबाइल रखने के लिए जगह नहीं है, स्टैंड भी नहीं है हमारे पास। तो देखते हैं इन झाड़ियों में से हमें क्या मिलता है कि हम क्या बना सकते हैं। तो देखते हैं, ये जो बेल है इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल हिलेगा। और भाई यहाँ पे देखो एक अलग ही मस्त जगह है, यहाँ पे भी हम बैठ सकते हैं, लेकिन स्टैंड तो नहीं है हमारे पास। स्टैंड के लिए क्या करें। ठीक है गाइस, मैं देखता हूँ फिर आपको स्टैंड बना के दिखाऊंगा, मैं फिर वो स्टैंड आपको मैं दिखाऊंगा कैसे बनाया। फाइनली हमने एक स्टैंड बना लिया है, एक लकड़ी ली और मेरे को यहाँ पे ये धागा मिल गया था, और दो लकड़ियों को जोड़ के एक बीच में लकड़ी जो है वो बांध दी है मैंने, ताकि मोबाइल ना गिरे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली स्टैंड बना लिया है, और खिली खिली हवा है, मतलब ठंडी हवा है, और ये मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ा बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी छोटे से शुरुआत की थी, तो हम भी अभी छोटे से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी ये वीडियो मैं घर पे भी बना सकता था, लेकिन क्या है कि घर पे बीवी बच्चे सब मतलब बहुत इरिटेड होता है, मतलब बच्चे चिल्लाते हैं, हाँ बीबी का कुछ अलग ही चलता है, ये ला दो वो ला दो सब्ज़ी ला दो, तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, मतलब बहुत कुछ जो नॉइज़ होती है वो इर्द गिर्द घूमते रहती है, इसलिए हम घर पे नहीं बना सके वीडियो। तो इसलिए हम ये हमारे मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ गाथा मंदिर के पास में एक नदी है इंद्रायणी करके, यहाँ पर हमारे संत तुकाराम महाराज का मंदिर है, लोग उन्हें बहुत मानते हैं, बहुत शिवाजी महाराज के जो मतलब क्या बोलते हैं इतिहास है, उन इतिहासों में भी
संत तुकाराम महाराजों ने बहुत सारे अभंग मतलब गाथा लिखी थी उन्होंने, जो ऐसी गाथा थी कि पूरे जीवन को हमारे चेंज कर सकती है। मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब इतना अच्छा वर्णन किया है। और हमारे महाराष्ट्र में जो मतलब तुम्हारे यहाँ सत्संग बोलते हैं, हमारे यहाँ कीर्तन बोलते हैं, जो कीर्तन होते तो उनका जो लिखा हुआ जो अभंग बोलते, अभंग का दो लाइन, खाली दो लाइन, दो लाइन से 5-6 घंटे तक कीर्तन चलता है। और वो दो ही लाइन ऐसी रहती है जो हमारा जीवन बदल सकती है, ऐसा है। तो आज हमारे यहाँ वो पंढरपुर को एक यात्रा जा रही है, मतलब पालखी जा रही है यहाँ से, तो वहाँ पे सब महाराष्ट्र के लोग इकट्ठा होते हैं और पालखी में के साथ भजन गाते 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 पंढरपुर को जाते हैं यहाँ से। तो आज बहुत भीड़ है, मैं दूसरे रास्ते से जाने वाला था लेकिन मुझे ये रास्ता मिल गया, थैंक गॉड। और बाइक के लिए भी यहाँ पे जगह थी आने के लिए, तो मैं आ गया। कुछ भाई लोग उधर बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बोल रहे हैं तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तो भाई मैं ऐसे ही बोल दिया कि भाई मैं देखने आया हूँ। वैसे तो मुझे वीडियो बनाना था पहले, छोड़िए जाने दो क्या होता। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जो मेरे लाइफ में जो हो चुका है, मतलब अब मैं 30 बरस का हूँ, 30 साल का एक्सपीरियंस, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है, तो वो कुछ आपको शेयर करूँ। और आपको सब लोग वीडियो क्यों बनाते हैं, पैसे के लिए? तो अप क्लोज मैं भी पैसे के लिए ही बना रहा होगा, लेकिन पैसा तो मुझे मिलेगा, वो मिलेगा आपका सपोर्ट रहेगा तब मिलेगा, बट जो मेरे जो बातें, अगर 2-3 बातें आपके मन में बैठ गई या आप उसको सीरियसली ले लिए तो कुछ अच्छा हो सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करें कि भाई जब मैं छोटा था, अभी छोटे से शुरुआत करते हैं, तो भाई जब मैं छोटा था तब मैं स्कूल में नहीं गया, मतलब मैं गया लेकिन हमारे हालात इतनी ज़बरदस्त थी कि हमको खाने के लिए 2 टाइम का नहीं मिलता था, खाने के लिए तो मिलता नहीं था। फिर मेरे माँ बाप ने मुझे, हमारे यहाँ जलगांव करके गाँव है, वहाँ पे इंडस्ट्री है, मतलब ऐसे दाल वगैरह जो रिफाइन करते हैं उसका इंडस्ट्री है, वहाँ पे मुझे लेके गए। तब मैं आई थिंक चार पाँच साल का रहा होगा, तो मुझे समझ थी, बहुत काम करते थे वो लोग। और मेरे 2 छोटे भाई थे, उनको मैं संभालता था। वहाँ से फिर एक आदमी था, उन्होंने मेरे पिताजी को सजेशन दिया कि भाई ये लड़का बहुत होशियार है, कि मैं क्या है, मैं पेपर जो रहता था ना, जो हमारे वहाँ चाय की टपरी थी, वहाँ से फिर वो पेपर लेता था मैं, और वो चाय की टपरी पे से पेपर लेके मैं ऐसे ही पढ़ने लगता था। मुझे आता नहीं था लेकिन वो काका को पूछ के ये क्या है ऐसे करके पढ़ने लगता था। फिर वो काका ने सजेस्ट किया मेरे पिताजी को कि भाई तू ये बच्चों का करियर क्यों बर्बाद कर रहा है। पिताजी बोले कि भाई देख, हम गरीब है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमें पेट भरने की ज़रूरत है और इन बच्चों को कहाँ से पढ़ाए, पेट भरने के लिए पैसा नहीं तो इनको कहाँ से पढ़ाए। और उस दिनों कैसा है, फिर आसन छाड़ा हमारे वहाँ ओपन हुई, एक गांव में ओपन हुई। फिर वो वहाँ का एक आदमी था, उनसे कांटेक्ट किया मेरे पिताजी ने और फिर वहाँ पे मुझे डाल दिया आश्रम छाड़ा, मतलब स्कूल, आश्रम जानते हैं, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल रहता है, वहाँ पे खाना पीना रहना सब फ्री रहता है। तो भाई वहाँ पे तो डाल दिया, एजुकेशन मतलब इतना अच्छा नहीं था लेकिन गुजारा करने के लिए अच्छा था, रोटी इतनी बड़ी बड़ी रोटी, पानी जैसी दाल,
जिसमें दाल भी नहीं दिखती थी, ऐसे खाया वहाँ पे। वहाँ पे फिर पहली दूसरी तीसरी ऐसे किया मैंने, वहाँ पे पढ़ा। लेकिन और कुछ ऐसे कठिनाइयाँ आई हमारे परिवार में, तो वहाँ पे भी मेरे को एजुकेशन छोड़ना पड़ गया। तो फिर से मुझे ले गए, फिर से 3 साल पढ़ाया नहीं। फिर बाद में कुछ अच्छा, मतलब थोड़े पैसे आए, फिर बाद में मुझे नाना के घर पे मेरे को डाल दिया वहाँ पे स्कूल में। फिर से मुझे पहली कक्षा में ही डाला। तो आप सोचो, मैं 6-7 बरस का और वो छोटे छोटे बच्चे, तो भाई मुझे बुरा नहीं लगा। और आप बोल रहे होगे, तू तो छोटा था, तेरे को कैसे बुरा लगता है? नहीं, कैसा इमोशन रहते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी इमोशन रहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे में एक जिद थी कि मैं पढ़ूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं पढ़ूँ। इसलिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से फिर आसन छाड़े में 5-6 साल पढ़ाई किया। वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी घटी जो नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन किया कुछ तो भी, मतलब जितना मेरे से हो सकता था उतना किया। तो क्या है कि मतलब आदमी को जो कठिनाइयाँ आती है उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मतलब मान लो आपके घर में कोई तकलीफ़ है, मतलब बहुत बड़ी कोई दिक्कत आ गई है, पैसों की दिक्कत आ गई है, तो आप घर में ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, तुम लोग ये करते हो, तुम लोग वो करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब तुम सपोर्ट करो घर वालों को कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी पैसे नहीं है हमारे पास, हम मैनेज करेंगे, सब मिल के काम करेंगे और गुजर जाएगा हमारा जीना ऐसे ही। तो ये बोलना चाहता हूँ मैं कि आप भागो मत। मतलब जैसे हम चलते हैं, हमारी परछाई पीछे पीछे चलती है। मतलब हम, मतलब कौन हम, और परछाई मतलब हमारे सुख दुख, जो कोई प्रॉब्लम्स है वो है। तो भाई ऐसा हुआ, पढ़ाई किया मैंने 10वीं तक, और भाई 10वीं में तो क्या बताऊँ, 8वीं कक्षा से लेके 10वीं तक मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है जो आपको मैं बताऊँगा। अभी ये लंबी हो गई वीडियो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। लोकेशन देखूँगा मैं, अभी घर पे तो जगह नहीं है फिर, लेकिन बताऊँगा मैं वहाँ पे इतना स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। तो प्लीज़ सपोर्ट, क्योंकि सबको ज़रूरत रहती है भाई। अगर आप सपोर्ट करोगे मेरे को, तो मैं और कुछ चीज़ें अच्छा कर पाऊँगा और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ले आऊँगा, और मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा। आप कमेंट करो मेरे को कि भाई अच्छा है तेरा बोलना, ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ये तो फर्स्ट वीडियो है, फिर भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा भार तो डाल देना कमेंट में। ठीक है, अभी हम चलते हैं, बैग रिपेयरिंग करवाना है। बैग बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा है, चेन ख़राब हो गया है, कंपनी में जाने के लिए भी चेन, मतलब बैग नहीं है। कंपनी का भी बहुत बड़ा है एक्सपीरियंस, उसके बाद में पर्सनल लाइफ में भी और बहुत सारी दिक्कत आई। मैंने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे किया, अभी किस पोस्ट पे हूँ। मेरा स्टैंड गिर गया था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छा ज्ञान दूंगा और मेरे लाइफ के बारे में भी बताऊँगा मैं आपको। और जो बोल रहा था मैं, 10वीं कक्षा के बाद क्या करना है, डिप्लोमा के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, सब चीज़ें बताऊँगा। थोड़ा टाइम दो और कमेंट करो यार, तुम कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई मैं अच्छा बोल रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रही है वीडियो। तो
तो मैं ये कंटेंट बना पाऊँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड वॉच एंड लाइक कर दो, हो सके तो किसी को शेयर भी कर दो, क्योंकि वो देख लेगा तो अल्टीमेटली उसको अच्छा लगा तो उसका अच्छा हो जाएगा, मेरा भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये रिवर का जो फ़ोटो है वो आपको शेयर कर दूंगा, कुछ वीडियो है वो भी यहाँ पे डाल दूंगा। और हम अभी जाएंगे गाथा मंदिर, गाथा मंदिर पे कितना गर्दी है, पालकी कैसी है, अगर पालकी नहीं मिली देखने को तो मंदिर देखेंगे, मंदिर का जो नेचर है वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं।